हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरे भाई का बर्थडे, मतलब मोदक का बर्थडे है। तो अभी मोदक गया हुआ है स्कूल और इवनिंग में है आज उसका बर्थडे सेलिब्रेशन। और हम भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि हम आज इतने सालों बाद हम मोदक के बर्थडे पर हम यहाँ पे हैं, तो हमें भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। जा रही हूँ लंच पे। आज हमारा जो लंच है वो ममता आंटी के घर पे है। वो आंटी हमें इतने दिनों से बुला रही है तो फिर आज जाना ही पड़ेगा। उनके इतने फ़ोन कॉल्स आ रखे, इतनी बार वो घर पे आके इनवाइट कर चुकी हैं, तो आज हम पक्का ही जाएंगे। मम्मी ने कहा ठीक है आज लेके आती हूँ, तो चलो आपको भी मैं मिलवाऊँगी ममता आंटी से। तो अभी मैं ममता आंटी के घर पर आ चुकी हूँ, तो चलो मिलवाती हूँ आपको भी ममता आंटी से। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो हमारे लिए, मतलब खाना वाना बहुत चीज़ें बना रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या बना रहे हैं। तो ये रहे ममता आंटी। बहुत मेहनत की है इन्होंने हमारे लिए। देखो क्या क्या बना रहे हैं, पूड़ी और ये गोभी की सब्जी है। वाओ, ये दाल है, खीर है, चटनी है और बीन्स की सब्जी है, ये राइस है इधर। अच्छा, इतना सब कुछ आंटी बनाए हो आप, इतनी मेहनत क्यों की है हमारे लिए? तुम लोगों के लिए तो करना ही पड़ेगा। और मम्मी भी आपने पूरी तलवाने में मम्मी भी हेल्प कर रही है। और ये मेरी फ्रेंड है मुस्कान। फिर हम सब ने मिलकर खाया खाना और आंटी ने हमें बहुत मान सम्मान के साथ बुलाया था। तो हमें जब भी कोई इंसान मान सम्मान के साथ बुलाए तो हमें उनके यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। फिर खाना खाने के बाद हमने की थोड़ी बहुत गॉसिपिंग बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद। उसके बाद फिर हम चले गए थे घर पे, क्योंकि मैं श्रीनय को सुला के आई थी इसीलिए। बाय। तो वापस मैं जा रही हूँ घर पे। लंच पे हम आए थे, बहुत अच्छा लगा। मैं और मम्मी, दीदी तो नहीं आ पाई क्योंकि बच्चे सो रहे थे, इसलिए आंटी बहुत दिन से हमें बुला रही थी तो इसलिए हम आए थे आज। और इस अपार्टमेंट से उस अपार्टमेंट बस इतना ही फ़र्क है। तो बस मैं पहुंचने वाली हूँ घर। तो गाइस, मेरे बर्थडे का केक आ गया। ये बर्थडे बॉय हो रहा है रेडी। सो देखिए, शिवानी आंटी आ चुकी है बर्थडे के लिए। बहुत ही स्पेशल आंटी है ये हमारे लिए। सो मिलिए शिवानी आंटी से। हाय। एक जो वो ममता आंटी है वो और एक शिवानी आंटी, दोनों आंटी बहुत स्पेशल है हमारे लिए। ये मेरी प्यारी बच्चे, बहुत प्यारी है, सबसे अच्छी बच्ची, सबसे प्यारी और सबसे ज्यादा हमारे पास यही रही, सबकी लाडली है ना। सही है, क्योंकि दोनों दीदी की तो शादी हो गई थी, मैं सबसे ज्यादा रही थी आपसे हैदराबाद में। सो देखिए, मोदक रेडी हो चुका है। यो यो गाइस, इट्स योर बर्थडे बॉय। फिर मैंने मोदक के फ्रेंड्स के लिए प्रिपेयर की मैगी, बिकॉज दे आर अ बिग मैगी लवर। शेफ दीपक भैया।
तो ये थे शेफ़ दीपक भैया, इन्होंने बनाई बिरयानी, पाव भाजी, ये खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं और इन्होंने ही सब कुछ बनाया था। तो ये सब खास फ्रेंड्स हैं मेरी मम्मी की भी, अर्चना आंटी, शिवानी आंटी, महिमा आंटी, ममता आंटी। तो मैं भी आज बहुत दिनों के बाद इन सबसे मिली थी, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। ये देखिए हेल्पिंग आंटी, इनके घर पे हम सुबह गए थे खाने पे। Yeah.
बर्थडे बॉय को थैंक यू। तो सब लोग जा चुके हैं और अब मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग गई है, तो अब मैं भी जा रही हूँ खाना खाने। बहुत मज़ा आया सबसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। आज काफ़ी दिन के बाद मैं सबसे मिली हूँ, मतलब हमारा गेट टुगेदर हुआ है इतने दिनों के बाद, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो अब मैं खा रही हूँ खाना क्योंकि अब बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है। तो बिरयानी, पाव भाजी, रसमलाई और केक तो घूमते फिरते खा लेंगे, और मैगी है जो कि बची नहीं है बिल्कुल भी, बट कोई बात नहीं, मुझे धोखा नहीं है क्योंकि मैं बनाती थोड़ी सी अलग से मेरी खा ली थी फर्स्ट ऑफ ऑल ही, तो कोई बात नहीं, नहीं बची तो। सो हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माई ब्लॉग। If you like, please like, share and subscribe. Bye bye.